When they say road trip is good, they don't talk about cities. They talk about nature. And road trip like this is bliss. जब भी मौका मिले गाइस निकल जाओ. पेट्रोल भरा गया. रिपोर्ट क्रैश हो. और आप लोग ये ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर गाड़ी के पेपर लेके आना. और रोरो बोट में ये एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा जो आप ये बंदा ले रहा है. हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एन अमेजिंग व्लॉग. तो आज हम जा रहे हैं अलीबाग. और हमेशा की तरह ये रोड ट्रिप नहीं है, एक बोट ट्रिप होने वाली है. तो इसका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग होगा. और आजकल ट्रेंडिंग चल रही है रोरो बोट, बट मैं रोरो बोट से नहीं, मैं फेरी बोट से जा रहा हूँ. और इसका एक्सपीरियंस कुछ अलग है जो आपको वीडियो में समझ में आएगा. और इसका कॉस्ट, इसकी प्राइसिंग, इसकी टाइमिंग, फिर ये कहाँ छोड़ेगी, ये सारी डिटेल आपको ये वीडियो में मालूम पड़ेगी. तो वीडियो को एंड तक देखिए और एंजॉय करिए ये समुंदर का व्यू और अमेजिंग व्यू. थैंक यू. आगे आप अंदर जाएंगे तो आपको टिकट मिलेगा. ये तो आपको नीचे बैठने मिलता है और आपकी बाइक ऊपर पार्क होगी. बाइक का चार्जेस 200 पर हेड 100 है. बाद रेवर्स जेटी उतर गए तो आपको ये रोड मिलेगा और ये रोड आपको सीधा लेके जाएगा अलीबाग. अब बाइक ट्रिप है. आप जो ये देख रहे हो ये टैक्सी है यहाँ की, जो मुंबई में यूजुअली देखने मिलती नहीं आपको. आप उल्लू की करते रहेंगे. मैडम का हुआ था रास्ते में, देखा, देख रहे हो 2 इंच का पूरा. बाप रे बाप. I'm glad कि यहाँ पे मुझे पंप मिल गया है. 5 किलोमीटर दूर पंचर वाला है और यहाँ पे एक दुकान वाले ने पंप दिया है मुझे. ट्रैवल करके अलीबाग पहुंच चुका हूं. मैं इस विला में हूं अभी. तो आपको पूरा व्यू बताऊंगा. पीछे जो है वो बंगला है. अभी मैं निकला हूं अवस बीच के लिए. बाइक राइड है तो बाइक पे जाएंगे. बीच कैसा है मैं आपको दिखाता हूं. स्टे ट्यून्ड, एंजॉय. व्हाइल गोइंग टू अवस बीच जाते वक्त आपको एक रास्ता मिलेगा. मैं मैप में गलत जा रहा हूँ बट लोकल्स बोल रहे यहाँ से ही रास्ता है. एंड दिस रोड इज अमेजिंग.
Wow. Make a U-turn. वेलकम टू आवर्स बीच गाइस। तो हम पहुंच चुके हैं, आपको दिखाता हूँ कैसा है आवर्स बीच। आई थिंक सो हम सही जगह नहीं पहुंचे, बट यही है आवर्स बीच। एंड दैट्स माय राइड। तो नया रास्ता एक्सप्लोर करते करते कोई नए बीच पे आ गए हैं। मुझे लग रहा नहीं है कि ये आवर्स बीच है, बट फिर भी मैं आगे आगे चेक करता हूँ, शायद वहाँ आगे है आवर्स बीच। लेट्स गो टू फाइंड द रियल आवर्स बीच। तो आवर्स बीच ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और जहाँ मैं था वही शायद आवर्स बीच है, बट ज़्यादा पब्लिक थी नहीं तो मुझे लगा वो आवर्स बीच नहीं है। सो अच्छा बीच है, बहुत पीसफुल है, शांति है, पब्लिक ज़्यादा नहीं है, दिमाग को शांति चाहिए तो बहुत अच्छा है। बट आपको क्राउडेड प्लेस पसंद है तो आप मत आना यहाँ पे मुंबई के कोई मॉल में, या आपके सिटी के कोई मॉल में रुक जाना, क्योंकि अलीबाग इज़ ऑल अबाउट पीस, साइलेंस, बीच, व्यूज एंड नेचर। ओके, तो गाइज हम आगे पहुँच चुके हैं, और आगे आने के बाद हमको ये मिला है, और लोकेशन को देख के ऐसा लग रहा है कि यही आवर्स बीच है। आई मीन जो पहले दिखाया वही आवर्स बीच है, ये उसका एंड है शायद। आगे जाओगे तो कोई और बीच आएगा, यहाँ पे बहुत सारे बीचेस हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो में बोला था कि मैं बहुत सारी बीचेस कवर करूँगा और अलीबाग एक्सप्लोर करूँगा, फॉर सम रीज़न टाइम इशू की वजह से जाओ यहाँ पे। और ये लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन नहीं है, ये लक्ष्मण रेखा है जो मेरे को पार नहीं करना है, क्योंकि बहुत रिस्की है ये। और मैं बीच से निकल ही रहा था कि देखा लोग जमा होना चालू हो गए, और मेरे को यहाँ के एक लोकल ने बोला है कि आवर्स बीच पे लोग फोटोग्राफी करने आते हैं, स्पेशली प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, बिफोर वेडिंग, आफ्टर वेडिंग फोटोशूट। तो ये जो क्राउड दिख रहा है आपको, ये सारे फोटोग्राफी के लिए, और ये बस 15 मिनट पहले आए यहाँ पे, ये पूरा बीच खाली था। बट कोई बात नहीं, हम फोटोग्राफी के लिए नहीं आए, हम जो काम के लिए आए वो काम हो गया है, सो आई एम लीविंग। ये वीडियो देख के जो फर्स्ट टाइम प्लान कर रहे हैं अलीबाग आना, एक सजेशन है कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से ही आना, क्योंकि यहाँ पे बीचेस लोकेशंस बहुत दूर दूर है, एक बीच से लेके दूसरे बीच में एटलीस्ट 5 to 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट इजीली मिलता नहीं है। तो जब भी आना, खुद की गाड़ी या बाइक लेके आना। बाय। So sun is about to set and I'm about to leave this beach. वहां से घुसे थे वहां से ही निकलने गए, मैप को नहीं फॉलो करना है, ठीक है, प्रो टिप है, बाय। When they say road trip is good, they don't talk about cities, they talk about nature, and road trip like this is bliss. जब भी मौका मिलेगा इस निकल जाओ, पेट्रोल भरा गया। रोड ट्रिप मतलब हाईवे और सिटी में चलाना नहीं है, ऐसे जंगलों में चलाना है, सो एंजॉय द व्यू। मुंबई में लोग सिर्फ खाते हुए दिखते हैं, इधर लोग पालते हैं इसे, एंड दिस इज द रियल वे ऑफ लिविंग अकॉर्डिंग टू मी। सिटीज में तो लोग सिर्फ स्ट्रगल करते हैं, वो देखो वहाँ घोड़ा भी है।